नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अर्चना माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज बात मैं आपसे करूंगी मानसिक शांति के ऊपर या मेंटल पीस। दोस्तों, जीवन में कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। हमारा अगर मन शांत होता है तो कुछ और हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आइए देखते हैं कुछ टिप्स जो फॉलो करने से मन की शांति बढ़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले अपने स्वभाव में संतुष्टि लाएं। लाइफ में कुछ भी पाने की कोई लोअर और अपर लिमिट नहीं होती, ये तो आप जानते ही हैं। कोई चीज किसी के लिए काफी होती है, किसी के लिए नहीं। और कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी मिल जाए लेकिन काफी नहीं होता। रेस्टलेस होना महत्वाकांक्षी होने के हिसाब से अच्छा भी है एक सीमा तक। उस सीमा को क्रॉस करते ही वो नुकसान करने लगता है। तो हमें बचपन में इंसान को होना चाहिए एम्बिशियस, जितना हो सके उतना चीजें हासिल करने वाला, क्योंकि आगे का जीवन उसी पे डिपेंड करता है। और बचपन में शक्तियां भी ज्यादा होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना के बराबर होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बहुत चीजें पाते चलते हैं, उस स्टेज में आके ये समझ होनी चाहिए कि अब हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। तो अब मैं बात करती हूं हमारे माइंडसेट की। How much enough is enough? तो reasonably जब चीजें हो जाएं, उसके बाद हमें पाते ही पाते जाने की बजाय एक एज आने के बाद हमें कंट्रीब्यूट करने की तरफ मुड़ना चाहिए। एक तो हमें उस एज तक काफी कुछ आ गया है तो हम दुनिया को बांट सकते हैं। दूसरी कि हमारे ऊपर बहुत चीजों का, बहुत लोगों का कर्ज होता है। इस दुनिया में हम जगह ऑक्यूपाई करते हैं, खाना खाते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत कुछ अनगिनत चीजें लेते हैं, इतने लोगों की केयर लेते हैं। तो हमें भी किसी ने केयर दी थी, एक स्टेज के बाद हमें भी देनी चाहिए। समाज के लिए कुछ ना कुछ अपने तरीके से करना चाहिए। जैसे कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। मेरी दिली इच्छा होती है कि किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन हो या थोड़ा लो फील कर रहे हो, तो मैं कुछ ना कुछ आपके काम आऊं। अब मैं आखिर बात करती हूं एक्सपेक्टेशंस की या अपेक्षाओं की। अगर हम कोई भी काम करते हैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ, तो हमें सफलता मिलने के बाद भी जी नहीं भरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से 19-20 हो ही जाएगा। हमें लगेगा सफलता तो मिली है मगर उतनी नहीं मिली जितनी की मिल सकती थी, मिलनी चाहिए थी। भगवत गीता जी में यह कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इट मीन्स कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब इससे कंफ्यूजन हो सकती है कि गोल सेटिंग फिर क्या है। देखिए, लक्ष्य बनाना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अच्छे से, एक्सपर्टीज से सोच समझ के, सलाह लेके, जिन पर विश्वास करते हैं उनसे सलाह लेकर, गुरुजी से पूछकर, सब चीजें ठीक हैं। लेकिन अगर हम कोई चीज अच्छी कर रहे हैं क्रेडिट पाने के लिए, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। हाँ, अगर हम निस्वार्थ काम करेंगे तो हमें संतुष्टि भी मिलेगी और यश भी मिलेगा, क्रेडिट भी मिलेगा। हमेशा होता है, अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा होता है। लेकिन अगर नतीजे के पीछे दौड़ेंगे तो सब कुछ करने के बाद, मेहनत करने के बाद, सफल होने के बाद भी हमें वो कम पड़ जाएगा। तो जो भी करें देने के भाव से करें। देने के भाव के ऊपर मैं एक और डिटेल्ड वीडियो एक्सक्लूसिव सिर्फ देने के भाव पर मैं जल्दी आपके लिए लाऊंगी, जिसमें मैं अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगी। तो दोस्तों, मानसिक शांति
के लिए हमें शांत होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठहराव लाना पड़ेगा, मैच्योरिटी से हमको सोचना पड़ेगा, दूसरों की खुशी में खुश होना होगा और होके देखिए दूसरे की खुशी में खुश, फिर आपको कभी कोई दुखी कर ही नहीं पाएगा और तभी लोग आपकी खुशी में खुश हो पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जल्दी मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।